देश में पिछड़ों के नाम से सरकार बन तो गई है लेकिन पिछड़ों का अधिकार दे नहीं रही है। 2024 में ये मूल निवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी समाज अभी भी सोया हुआ समाज ऐसा मैं मानता हूँ। जो सबसे बड़ी जो बात है विचारों की लड़ाई है कि महिला पुरुष नौजवान सब मिलके जोर लगाओ, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाओ। ईवीएम में डाका डाल करके डाकू सत्ता में आए, बुद्ध से लेकर काशीराम तक बहुजन नायक को याद करो, मूल निवासी राजाओं अपने इतिहास का भी तुम ध्यान धरो, और जिसने तुम्हें दबाया कुचला उसको मार भगाए, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाए। आज ये जो दौर चल रहा है इस दौर से घबराने की जरूरत नहीं है। साथियों, हमारे समाज के ओबीसी समाज को जगाने की आज भी जरूरत है। ओबीसी समाज अभी भी सोया हुआ समाज ऐसा मैं मानता हूँ। देश में पिछड़ों के नाम से सरकार बन तो गई है लेकिन पिछड़ों का अधिकार दे नहीं रही है। अभी मंच से सारे वक्ताओं ने बारी बारी से अपने बात इस मंच पर कहे हैं। निश्चित ही इस कार्यक्रम से हम सबको प्रेरणा मिलेगी। छत्तीसगढ़ में एक आपको अवगत कराना चाहूंगा माननीय मंच के अतिथियों को, छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी जो है बस्तर के धरती बैलाडिल्ला में बना है, लेकिन वहां स्थानीय लोग सर्विसेस में नहीं है, बाहर के लोग सर्विस कर रहे हैं और उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। छत्तीसगढ़ के धरती में वो कारखाना खुला है और वहां लोहा महंगा है और सरकार उसको कम दाम में बाहर ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये भी दुर्भाग्य का विषय है। इस तपती धूप में आप सब लोग आए हैं और निश्चित ही मैं इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, 2024 का चुनाव नजदीक है। माननीय मोदी जी समझ लें, ओबीसी समाज को, एससी समाज को, एसटी समाज को छलने की हरकत बंद करें। ये समाज जागरूक समाज है जिसके भरोसे में आप सरकार में हैं। वो 2024 में आपको अगर हमारा जो मूल हक और अधिकार नहीं मिलेगा तो आपको 2024 में ये मूल निवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले समय में हम सबको एक होकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि न जाने क्यों इतने मतलबी हो गए हैं लोग, निस्वार्थ के लिए औरत शौहरत दौलत कम हो, समता आंदोलन से भटके किसको मार्ग दिखाए, इतने खुदगर्ज हो गए लोग। साथियों, ये हमारे समाज की पीड़ा है। आज हर कोई तीसरा व्यक्ति महीने दो महीने साल दो साल काम करता है और एक अपनी राजनीतिक पार्टी तैयार कर लेता है। साथियों, ऐसे कैसे समता आएगी? जो माननीय काशीराम जी ने जो काम किया था घर घर जा करके साइकिल चला करके जो पदयात्रा की थी पूरे भारत में, जब तक वो उस रूप में काम नहीं करेंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ी जो बात है विचारों की लड़ाई है। अब बाबा साहब की जय भीम सब करते हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे कोई नहीं चलता। ना हमने कोई कंक्रीट प्लान बनाया है। हमारे कुछ साथी यहाँ बता के भी गए थे कि महिला पुरुष नौजवान सब मिलके जोर लगाओ, भारत के मिल बहुजन सब ही अपनी सत्ता लाओ। बोलो जय भीम। विषमता के पोषक छल से सियासत नित दिन करते, सत्ता की मलाई है तो नित नई गोटियां फिट करते। चाट पर दलित नेताओं को कुर्सी से आज हटाएं, भारत के मिल बहुजन सभी अपनी सत्ता लाएं।
निस्वार्थ के त्याग के बंधु, बड़ा काम है करना, सब कुछ नश्वर है इस जग में, एक दिन सबको मरना। बहुजन हित को जो भी लड़ता, ऊपर उसे उठाए, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाएं, अपनी सत्ता लाएं। दलित जनों से खून की होली, माँ बहनों की हत्या, व्यापार सरकारी सेवा छीनी, चौपट हुई अर्थव्यवस्था, उस शिक्षा स्वास्थ्य परिवर्तन हेतु मिलकर जोर लगाएं, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाएं। न्यायपालिका, चुनाव नीति आयोग सभी कब जाए, ईवीएम में डाका डाल करके डाकू सत्ता में आए, डाकू सत्ता में आए। गोदी मीडिया झूठी कहानी मनगणंत रोज बनाए, भारत के बहुजन मिल सारे अपनी सत्ता लाए। यदि संगठन मजबूत बनाना, समता सैनिक दल में आओ, और दल मारे जो सोया बहुजन, प्रातः उसे उठाओ, प्रातः उसे उठाओ। हर पार्क में नीला झंडा सुबह सुबह लहराएं, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाएं, अपनी सत्ता लाएं। बुद्ध से लेकर काशीराम तक बहुजन नायक को याद करो, मूल निवासी राजाओं अपने इतिहास का भी तुम ध्यान धरो, और जिसने तुम्हें दबाया कुचला उसको मार भगाएं, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाएं, अपनी सत्ता लाएं। भीमा कोरे गांव के वीरों फिर से लड़ने आओ, दुश्मन तुम्हें ललकार रहा है, अब हथियार उठाओ, अब हथियार उठाओ। अधिकार युद्ध को जो लड़ते वीर वही कहलाए, भारत के मिल बहुजन सारे अपनी सत्ता लाए, अपनी सत्ता लाए। जय भीम, जय भारत।